नए वीडियो फिर स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके लिए फिर से कमाल का वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि इससे लव स्टेटस बनाएंगे कैनवा स्टार्ट से। बहुत ही शानदार लव स्टेटस कैसे कैनवा स्टार्ट से एडिटिंग करेंगे इस वीडियो में आपको टोटल जानकारी मिल जाएंगे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे दोस्त। पहले आप कैनवा स्टार्ट ओपन कर दीजिए। कैनवा स्टार्ट ओपन करने के बाद आपको जो भी इमेज ऐड करना है इस तरह सिलेक्ट करके ऐड करिए, ठीक है। तो चाहिए आप 10 15 20 इमेज भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ड्यूरेशन 30 सेकंड आसपास रखिए तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो आप इस तरह ट्रैक करके इमेज का पोजीशन को सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह आप वन बाय वन इमेज का वीडियो को ड्रैग करके सेट करिए। अगर दोस्त आप इस चैनल पे नया है अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बगल वाला बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो लेटेस्ट ट्रिक में लिख रहा हूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। इस तरह सेट करने के बाद दोस्त आप इसका साइज को भी सेट कर दीजिए, ठीक है। साइज को सेट करने के बाद यहाँ से इन एनिमेशन ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से इन एनिमेशन ऐड कर दीजिए लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, ठीक है। साइड राइट लेफ्ट आप आपका हिसाब से ऐड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आप इस तरह स्लोली बहुत सारा ओवरऑल एनिमेशन भी मिल जाएंगे, इन एनिमेशन मिल जाएंगे, आउट एनिमेशन मिल जाएंगे। आप सिलेक्ट करिए जो भी आपको अच्छा लगा, आप यहाँ से लेयर जाके एनिमेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से कुछ मैं ऐड कर लिया तो इस तरह व्यू बन गया, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों हमको यहाँ से डाउनलोड करना है, एक्सपोर्ट करना है इस टेम्पलेट को। इसके बाद दोस्तों लेयर को सिलेक्ट करिए। लेयर को सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट को सिलेक्ट करिए। इफेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद बेसिक इफेक्ट को सिलेक्ट करिए, ठीक है। इसके बाद कवर कर दीजिए एंड तक। देखिए इस तरह आप कवर कर दीजिए तो वीडियो अभी कवर हो गया। इसके बाद प्ले करके देखिए तो इस तरह टेम्पलेट रेडी हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्त एक टेम्पलेट यहाँ से ऐड करना है। इस वीडियो में जो भी टेम्पलेट यूज हो रहा है इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएंगे लिंक, आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्त इसके बाद मैं क्रोमा की ओपन किया। ओपन करने के बाद इस तरह टेम्पलेट मेरा रेडी हो गया, ठीक है। देखिए इस तरह अभी टेम्पलेट रेडी हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ से कुछ कोटेशन ऐड करना है मेरे को, ठीक है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप टाइप कर दीजिए जो भी कोटेशन ऐड करना है और शेयरी ऐड करना है, ठीक है। तो कुछ मैं यहाँ से शेयरी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह आप जितना चाहिए उतना शेयरी ऐड कर सकते, वन बाई वन आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से कुछ ऐड कर लेता हूँ, इसके बाद ओके कर लेता हूँ, ठीक है। करने के बाद इसको फिर सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद फिर फॉन्ट का स्टाइल भी मैं चेंज कर लेता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप इस तरह फॉन्ट में स्टाइल को भी बहुत चेंज कर सकते हैं। बहुत सारा फॉन्ट का स्टाइल यहाँ से अवेलेबल है, ठीक है। तो वन बाय वन आप जितना चाहिए उतना कोटेशन यहाँ से और सारे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से कुछ ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से देखिए मैं कुछ शेयर ऐड कर लिया। इसके बाद मेरे को यहाँ और एक टेम्पलेट ऐड करना है।
तुझको।